नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ पर वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि सरकार जाने के बाद यह योजना उन्होंने बंद कर दिया, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चालू रखी। कांग्रेस के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि उनके मन में श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति नहीं है, जो यह कहते थे कि राम है ही नहीं, आज वह मंदिर में जाकर माथा टेक रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कोरोना के 2 साल बाद 900 से ज्यादा तीर्थयात्री आज यात्रा के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल के नेतृत्व में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पूर्व मंत्री और विधायक रामपाल सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश का श्रवण कुमार बताया। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना एक बार फिर से चालू की गई है। ये कोविड के चलते 2 साल से बंद थी, आज फिर चालू की गई है। ये वही ट्रेन है जिससे लोग जाएंगे। इसको पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया, आप देखिए जगह जगह माला लगाई गई हुई है और इस पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना स्पेशल ट्रेन है और इसमें जो यहाँ की मंत्री है, पर्यटक मंत्री ऊषा ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस ट्रेन का भव्य शुभारंभ करेंगे और स्टेशन पर भी चारों ओर बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ की पर्यटक मंत्री ऊषा ठाकुर और यहाँ पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के बोर्ड लगाए गए हैं। यहाँ पर कुछ यात्री आए, इन बात करते हैं। मैम, फिर से एक बार यात्रा शुरू हुई है, आप जा रही हैं, कैसा लग रहा है? मैडम, अच्छा लग रहा है, जा रहे हैं तो बड़ी खुशी हो रही है अंदर से। 2 साल से बंद थी योजना, चालू हुई है, मामा की ये पहली पहल है, क्या तो अच्छी बात है ना, अब जा रहे हैं तो बड़ी खुशी मिल रही है हमें। कौन कौन जा रहा है? घर में पापा जा रहे हैं, साथ में पापा के साथ हूँ मैं जी। आगे भी चलती रहनी चाहिए, चलती रहना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है। और भी मैं उनसे बात करते हैं जी। कहाँ से आई हैं आप? हम पिपलानी खजूरी कला जी। कितने लोग जा रहे हैं आप? हम लोग जा रहे हैं, हमारी बुआ जा रही है और हम जा रहे हैं। मामा की ये पहल को क्या कहेंगे? अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो कहीं ना कहीं इस योजना के फिर से जो चालू होने से लोगों में उत्साह है, खुशी है और काफी लोग ये इस योजना में तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात, मध्य प्रदेश के लोक मुख्यमंत्री श्रवण कुमार के रूप में माननीय शिवराज जी चौहान साहब ने आज ये श्री गणेश कर रहे हैं। यात्रा यहाँ से जा रही है, आप देख सकते हैं कितने बुजुर्ग माताएं, सभी बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं और माननीय शिवराज जी चौहान साहब का धन्यवाद कर रहे हैं और हम भी यात्रियों का को प्रणाम कर रहे हैं कि वो भी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, आशीर्वाद लें भोले बाबा से और हमारा प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, हम सब लोग अच्छी सेवा करके और प्रदेश को सबसे आगे ले जाएँ, ये प्रार्थना करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज तीर्थयात्रियों को बधाई शुभकामनाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, जो 2 साल से योजना बंद कर दी थी कांग्रेस शासन काल में 15 महीने तक, इस योजना को फिर से शुरू किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आज से 2 साल बाद फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लागू की गई है और आज लगभग 900 से ज़्यादा नागरिक मध्य प्रदेश के तीर्थों के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री स्वयं और पूरे मंत्रिमंडल के और सभी साथी लोग आज यहां पर उनको ट्रेन में बिठाएंगे और उन लोगों को तीर्थों के लिए, जिले के भी लोग आए हैं, हमारे ज़िले के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और हम और हमारे विधायक जी ठाकुर रामपाल सिंह जी, हम लोग उन्हीं से मिलने के लिए। सर, आप ऊषा ठाकुर जी आज काशी विश्वनाथ जा रही है अपने यात्रियों के साथ, आपको कब सेवा का मौका मिल रहा है? देखिए, हमारे वो संस्कृति मंत्री हैं आदरणीय ऊषा ठाकुर जी, आज वो रवाना हो रही हैं और जैसे ही हम लोग भी अलग अलग जगहों पर तीर्थों को, यह तो आज से शुरुआत है, सब लोग जाएंगे उसमें आगे। ठीक है रामपाल जी, देखिए सरकार जाने के बाद बीच में जो सरकार आई, या तो उन्होंने बंद कर दी और या केवल फॉर्मेलिटी के लिए चालू करी। उनके मन में श्रद्धा और विश्वास ना तो भगवान के प्रति है, जो ये कहते थे कि राम है ही नहीं, आज वो राम के दरबार में माथा टेक रहे। जो ये कहते थे शिव नहीं है, जो ये कहते थे कि श्रीलंका में पुल नहीं बना है, क्या हो गया उनको? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उनकी तथाकथित बुद्धिमत्ता कहाँ गई? आज वो क्यों
राम के दरबार में, क्यों वो कृष्ण के दरबार में, और क्यों वो भोलेनाथ के दरबार में माथा टेक रहे, जनेऊ अंदर नहीं बाहर कान में लपेट रहे, क्या हो गया इनको? ये भारत देश ये आदि अनादि काल से सनातन देश रहा है। कई लोग आए, कई ऐसी शक्तियाँ आई जिन्होंने सनातन धर्म को कुचलने का प्रयास किया। सनातन धर्म तो नहीं मिटा, ज़्यादा तेजी से उभरा है, और जो मिटाने वाले आए वो बर्बाद होके चले गए। देखिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, हमारा सौभाग्य कि इन माता पिता स्वरूप वो तीर्थयात्री जो शिव के दर्शन को जा रहे हैं, उषा जी वास्तव में खुश नसीब है। अगली बार हमारा नसीब कब जगेगा, हम ये चाह रहे हैं कि हम भी जाएं इनके साथ, इनके जैसी यात्रा करें और वो पुण्य का लाभ कमाएं। जब ये निर्देश हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी के, हम जाने में अपने आप का सौभाग्य मानेंगे। भोपाल से खबर समय जगत के लिए कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।